जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एल एन ज्योग्राफी यू जी सी नेट जी आर एम में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी में लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे टेम्परेचर के बारे में, जिसमें हमने बात किया था कि टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। और हमने इस पर भी चर्चा किया था कि टेम्परेचर का पूरे अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जिसमें हमने एंशियंट ग्रीक के अनुसार देखा था, और जो मॉडर्न जो थियरी जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन था, जिसमें आपको जो है बहुत ही जो है सूक्ष्म तत्वों को ध्यान में रखते हुए टेम्परेचर का क्या किया गया था, डिस्ट्रीब्यूशन को बताया गया था। उसी क्रम में हम लोग उसमें एक टॉपिक रह गया था, उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं हम टेम्परेचर इन्वर्जन की, ठीक है, तापीय प्रतिलोमन की बात करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन यूजीसी में कई बार पूछा गया है, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या है कंसेप्चुअल टॉपिक है, और यहाँ से लोगों को क्या होती है काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो आइए देखते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है और इसका क्या महत्व है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, हम लोग बात करेंगे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यानी तापीय प्रतिलोमन की, ठीक है। हिंदी वाले इसको लिख लीजिए तापीय प्रतिलोमन या तापीय विलोमन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि आप शब्द से ही समझ पा रहे हैं कि जहां पर यह हो कि व्युत्क्रमान, क्योंकि जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे हम मीन सी लेवल से, यानी ये हो गया आपका अर्थ का क्रस्ट, ठीक है, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जैसे पृथ्वी से जैसे जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, तो जनरली ये देखा जाता है कि ऊपर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, यानी टेम्परेचर घटता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, और हवाएं क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, यानी जो इसके एयर का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाता है, दूर दूर चले जाते हैं, यानी यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो घट जाती है, कारण टेम्परेचर ऊपर जाने पर क्या होता है, घटता है। इसी को क्या बोला जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट बोला जाता है, कि एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाता है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटता नहीं, बल्कि क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी जब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो उस केस को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए लाभदायक भी होता है और हमारे लिए काफी क्या है, नुकसानदायक भी होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस घटित हो रहा है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन का, जब ये बेसिकली आपके जो ट्रोपोस्फियर है इसी में होता है, ठीक है, और इसकी जो है अलग अलग वायुमंडलीय परतों में अलग अलग है, लेकिन जो मेन टेम्परेचर इन्वर्जन है वो कहाँ पे होता है, आपके ट्रोपोस्फियर में, क्योंकि जो जितनी भी वायुमंडलीय दशा जो जितने भी जो है जो आपके वेदर फिनोमेना है वो कहाँ पर आकर्ष होते हैं, वो आपके आकर्ष होते हैं जो है इसी ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर का इन्वर्जन, क्योंकि जनरल केस में क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन घटने के स्थान पे अगर बढ़ रहा है तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन कब होता है, क्या है कंडीशंस हैं, क्या है कंडीशंस हैं जिसके कारण आपका टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। यही कंडीशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में चार पांच जो है ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, छांटना होगा, चूज करना होगा कि कौन कौन से ऐसे क्या है रीजन है जिसके कारण टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से रीजन है। पहला क्या होना चाहिए, ये कंडीशंस है, दशाएं हैं, कि अगर ये दशाएं कहीं पर पाई जाती हैं अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे, तो आपका टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए क्या है, बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है, बहुत ही आदर्श स्थिति, ठीक है, यानी उचित स्थिति है। पहला क्या होना चाहिए, लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, ठीक है, यानी बहुत ही लंबी क्या होनी चाहिए, आपकी शीत वाली रातें होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप देखते हैं जनरली क्या होता क्या है कि दिन के समय क्या होता है कि तापमान अधिक होने के कारण, इंसुलेशन अधिक मिलने के कारण पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है, हीट होती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज की ढल से पृथ्वी क्या करना स्टार्ट कर देती है, एनर्जी रेडिएंट करना स्टार्ट कर देती है, जिसको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। तो सुबह होते होते क्या होता है कि पूरी एनर्जी क्या होती है, रेडिएट हो जाती है, यानी ये जो पृथ्वी को ऊष्मा मिलता है ये वापस कर देता है, और इस प्रकार पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है, जो इसका ऊष्मा बजट है वो क्या बना रहता है, मेंटेन बना रहता है। तो लॉन्ग विंटर नाइट होता है कि रातों का जो पीरियड है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। जब रातों का पीरियड जो है क्या हो जाएगा,
लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है टेम्परेचर इन्वर्जन में कि ऊपर जाने पर तापमान का क्या होगा, बढ़ना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए रात का जो पीरियड लंबा हो जाएगा तो अर्थ क्या करेगी, जब जैसे रात होगा जैसे जैसे सूरज अस्त होगा यानी सनसेट होगा वैसे ही स्टार्ट कर देगी क्या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या करेगी, करती रहेगी। और जब रात का पीरियड लंबा होगा तो ये ज़्यादा क्या करती रहेगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करती रहेगी। और ऐसा समय आएगा कि इसकी जो रात्रि सतह का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो धरातली सतह का तापमान जब कम हो जाएगा तो इसके आसपास की जो एयर है उसका भी तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा, के ऊपर की जो एयर रहेगी वो क्या गर्म रहेगी, ठीक है, हॉट रहेगी, क्या रहेगी, गर्म रहेगी यानी वार्म रहेगी। तो अब ऊपर क्या हो गया आपका, ऊपर हो गया आपसे क्या हो गया, जो इसके आसपास की वायु है वो क्या है, ठंडी वायु। तो ये किसकी कंडीशन को बताता है, टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन हो गई। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोल्ड वायु है और यहाँ पर क्या वार्म वायु है यानी गर्म हवा है, हो गया नीचे हो गया ठंडा, ऊपर क्या हो गया गर्म, क्या है ये कंडीशन, क्या दिखा रही है, ये कंडीशन दिखा रही है टेम्परेचर इन्वर्जन। देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या है, यानी अब ऊंचाई बढ़ रहा है तो यहाँ पर वायु क्या है, वायु क्या है गर्म है, जबकि होना क्या चाहिए, ठंडा होना चाहिए। ठीक है, तो एक कंडीशन ये हो गया, इस कंडीशन में भी क्या होगा टेम्परेचर इन्वर्जन। दूसरा क्या है, दूसरा है क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई। ठीक है, यानी बादल रहित और स्वच्छ आकाश। ठीक है, जब ये आपका हो गया अर्थ, ठीक है, जब अर्थ के किसी भी जो है पार्ट के ऊपर जब बादल रहता है होता क्या है कि जो भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ इमिट करती है ये बादल क्या करता है उसको कैच कर लेता है। ठीक है, यानी अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है और इस पूरे एरिया का जो टेम्परेचर है वो सामान्य से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या होगा कि जब बादल वाली जो रात होती है वो बिना बादल वाली रात की तुलना में ज्यादा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि जो भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ से इमिट हो रहा है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब यहाँ पर बादल है ही नहीं तो होगा क्या कि जो भी अर्थ से आपका रेडिएशन इमिट क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से जो है कहाँ चला जाएगा, स्काई में चला जाएगा। ठीक है, वापस अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो पृथ्वी बहुत ही, यहाँ पृथ्वी की जो आसपास का टेम्परेचर है वो बहुत ही क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, जबकि इसके ऊपर का जो पृथ्वी का एटमॉस्फेरिक भाग है यहाँ का टेम्परेचर इसकी कंपेरिजन में क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और जब ऊपर गर्म हवा है नीचे ठंडी हवा है क्या दिखाएगा, टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन को बताएगा। ठीक है, इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादा क्या होता है, जो टेम्परेचर इन्वर्जन है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कोई भी वाटर नहीं होती है और वहां पर आसमान स्वच्छ रहता है और क्लियर रहता है। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई आपके टेम्परेचर इन्वर्जन की। ठीक है, तीसरा क्या है, ड्राई एयर नियर द ग्राउंड सरफेस, यानी धरातल के पास क्या होना चाहिए, शुष्क हवा होना चाहिए। शुष्क हवा क्या करती है कि टेम्परेचर को बहुत ही क्या करती है, होल्ड, जो ड्राई एयर होती है ज्यादा टेम्परेचर को होल्ड नहीं कर पाती है, लेकिन जिसमें मॉइस्चर होता है वो एयर क्या करती है, टेम्परेचर को ज्यादा होल्ड करती है। ठीक है, किसको ज्यादा होल्ड करती है, टेम्परेचर को ज्यादा होल्ड करती है। तो ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, ये क्या होगा कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि क्या होना चाहिए इसके पास, इसके पास होना चाहिए आपके ड्राई एयर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ड्राई एयर होना चाहिए, शुष्क हवा होना चाहिए। ठीक है, तो शुष्क हवा के कारण भी क्या होगा कि आपके जो धरातल के पास का जो तापमान होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कम होगा, और इसके ऊपर का तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये कंडीशन भी क्या क्रिएट करेगा, ये कंडीशन भी आपके जो है जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है उसको क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका स्लो मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, तो हवा है उसका बहुत धीमी गति से क्या होना चाहिए, प्रवाह होता रहना चाहिए। ठीक है, तो धीमी गति से क्या होता रहता है, इसका प्रवाह होता रहता है। इस कारण भी क्या होगा कि ये कंडीशन भी किसको क्रिएट करेगा, इन्वर्जन तापमान के विलोमता को क्रिएट करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस, यानी जो आपका ग्राउंड सरफेस है उसपे बहुत ज्यादा क्या है, वो कवर्ड है, किससे, स्नो से कवर्ड है। ठीक है, तो जब स्नो से कवर्ड होगा तो वही कंडीशन आएगा कि अगर ये पूरा रीजन क्या है, अर्थ का, स्नो से कवर्ड है, स्नो से कवर्ड होने के कारण क्या होगा कि इसके आसपास की वायु क्या होगी, ठंडी होगी। ठीक है, जो भी वायु इसके संपर्क में आएगी इस धरातल के वो क्या होगी, ठंडी होगी, और इन कंपेरिजन इसके जो ऊपर की वायु है वो क्या होगी, हीट होगी। ठीक है,
तो नीचे ठंडी वायु, ऊपर क्या है गर्म वायु, तो इससे क्या होगा, ये भी कंडीशन किसको दर्शाता है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन को दर्शाता है, तापीय प्रतिलोमन की कंडीशन को दर्शाता है। ठीक है, तो ये पांच कंडीशन बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। अगर ये पांचों कंडीशन जो है, पांचों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई रहता है या पांचों रहते हैं, तो वहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है, ये जो दशाएं होती हैं बहुत अच्छे से बनेंगी और वहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। यूजीसी जो है क्या करता है, यूजीसी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि आपको ये पांचों कंडीशन दे दी जाएगी, इसमें से तीन कंडीशन यहाँ से दे दिया जाएगा और दो कंडीशन अलग से पूछा जाएगा, कंडीशन है या कौन सा टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी इसके टाइप्स कौन कौन होते हैं किसके, टेम्परेचर इन्वर्जन के। ठीक है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक होता है नॉन एडवेक्शनल, क्या होता है नॉन एडवेक्शनल, और एक क्या होता है एडवेक्शनल। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि नॉन एडवेक्शनल क्या होता है। नॉन एडवेक्शनल जो टेम्परेचर इन्वर्जन है, इसका मतलब है कि इसमें जो हवा का प्रवाह होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, यानी के कारण अगर कोई जो है टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो उसको बोला जाता है नॉन एडवेक्शनल। ठीक है, इसको बाद में दो भागों में डिवाइड किया गया, पहला है सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी धरातल के पास कम तापीय प्रतिलोमन, और दूसरा क्या है अपर एयर टेम्परेचर इन्वर्जन, दूसरा क्या है ऊपरी वायुमंडलीय सतह में क्या हो रहा है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, धरातल के पास टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है कम समय के लिए होता है, जैसे ही आपकी जो धूप निकलती है उसके बाद ये स्थिति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। धरातल के पास जनरली जो आपका टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, धरातलीय सतह के पास जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, वो ज्यादातर ठंडियों में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी विंटर के सीजन में ये हमें क्या मिलता है, देखने को मिलता है। सीजन में क्या होता है कि धरातलीय भाग सामान्य की तुलना में ज्यादा क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसके ऊपर का एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, गर्म, इन्वर्जन की हमें केस देखने को मिलते हैं। लेकिन सुबह जैसे ही सूर्योदय के पश्चात क्या होगा कि ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन दूसरा क्या है, अपर एयर टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी ऊपरी सतह पे क्या होना, जो वायुमंडल है ऊपरी वायुमंडल में टेम्परेचर इन्वर्जन का होना, किसी कारण बस अगर जो टेम्परेचर का इन्वर्जन हो रहा है वो धरातलीय सतह के पास नहीं हो रहा है, ये अर्थ के बल्कि यहाँ पर हो रहा है, यानी यहाँ पर ठंडी हवा है और यहाँ पर गर्म हवा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये टेम्परेचर इन्वर्जन का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा समय तक रहेगा इन कंपेरिजन टू धरातल के स्थल वाले भाग के पास। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन और दूसरा क्या है अपर एयर टेम्परेचर इन्वर्जन, ये हो गया आपका एडवेक्शनल। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका है एडवेक्शनल, क्या है एडवेक्शनल इन्वर्जन। ठीक है, एडवेक्शनल इन्वर्जन में क्या है कि जब हवा का मूवमेंट कैसा हो रहा है, क्षैतिजीय स्तर पे हो रहा है, और क्षैतिजीय स्तर पे हवा का मूवमेंट होने के कारण क्या हो रहा है, जब इन्वर्जन की कंडीशन बन रही है, तो उसे क्या बोला जाता है, एडवेक्शनल इन्वर्जन बोला जाता है। ठीक है, अब ये एडवेक्शनल इन्वर्जन है, ये तीन प्रकार का होता है, एक होता है फ्रंटल यानी वाताग्र साइक्लोनिक इन्वर्जन। ठीक है, कैसा साइक्लोनिक इन्वर्जन, टेम्परेट साइक्लोनिक इन्वर्जन। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है या फ्रंट क्या होता है, वाताग्र क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, वाताग्र या जो है टेम्परेट चक्रवातीय प्रतिलोमन। ठीक है, तो फ्रंटल में क्या होता है कि दो विपरीत गुण वाली क्या होती है, एयर मास होती है, हवाएं होती है, जिसको आप अभी हवा के रूप में जानिए, एक होगी ठंडी हवा और एक क्या होगी, गर्म हवा। ठीक है, ये मान लीजिए कोई एरिया है, यहाँ पर ठंडी हवा है। ठीक है, इन केस यहाँ पर क्या आ गई, एडवेक्शन यानी क्षैतिजीय रूप में क्या आ गई, जो है वार्म एयर आ गई। ठीक है, तो वार्म एयर हल्की है तो ये ऊपर रहेगी, और कोल्ड एयर ठंडी है तो ये क्या रहेगी, नीचे रहेगी। अब नीचे क्या हो रहा है, नीचे तापमान क्या है, जो है हवा का कम है, जिसके कारण नीचे क्या है कि ठंडी एयर है और ऊपर क्या है, गर्म एयर है। तो बस यही कंडीशन क्या होगी, यही कंडीशन तो जो है
आपका टेम्परेचर इन्वर्जन ही, जो थर्मल इन्वर्जन है या टेम्परेचर इन्वर्जन है, यही कंडीशन है ना। या इसमें ऐसा भी हो सकता है ये कोई गर्म हवा का क्षेत्र है और इसमें से क्षैतिजीय प्रवाह के कारण बाहर से क्या आ गई, ठंडी हवा आ गई। तो ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है, इसकी प्रवृत्ति होगी हमेशा कहाँ पर, यानी कि ये नीचे आ जाएगा और इस हवा को तेजी के साथ ऊपर ढकेल देता है, तो ऊपर पुनः गर्म क्या हो गया, ठंडी कंडीशन हो गई। और ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन का, जिसमें पहला क्या हो गया आपका फ्रंटल या साइक्लोनिक, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका है बैली इन्वर्जन, ठीक है, घाटी प्रतिलोमन। घाटी प्रतिलोमन आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। घाटी प्रतिलोमन कैसे होता है, मान लीजिए इसमें कोई क्या है, गर्म हवा फ्लो कर रही है, ठीक है, क्या है ये दिन की, दिन का केस है, ठीक है, और गर्म हवा क्या है, घाटी से बह रही है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे शाम होगी तो अर्थ से जो रेडिएशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, वो बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि जो ये अर्थ का ये, ठीक है, इस वाले भाग में क्या होगा कि वायु क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ये अर्थ का सर्फेस क्या हो जाएगा, शाम तक ठंडा हो जाएगा, ठीक है, आपके किसके कारण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण। जब ये पार्ट आपका ठंडा हो जाएगा, ठीक है, तो इसके संपर्क में आने वाली वायु क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठंडी वायु क्या होगी, भारी हो जाएगी, और भारी हो जाएगी तो इसी स्लोप के सहारे वो क्या, इस घाटी में क्या होने लगेगी, प्रवाहित होने लगेगी। और जब ये घाटी में प्रवाहित होने लगेगी तो बाहर ढकेल देगी, यानी बाहर निकाल देगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो ठंडी एयर है वो यहाँ पहुंच जाएगी, इसके ऊपर पहुंच जाएगी और नीचे ठंडी एयर और ऊपर क्या रहेगी, गर्म एयर। ये कंडीशन किसको बता रहा है, टेम्परेचर इन्वर्जन को बता रहा है, ठीक है। यानी इसीलिए देखेंगे कि जो कहां पर, जहां पर कहीं पर बैली होता है, ठीक है, तो बैली का जो ये वाला पोर्शन होता है, यानी जो इसका कोर एरिया है, कोर एरिया में ठंडी ज्यादा पड़ेगी, लेकिन जो बैली के ये वाला पार्ट है, पार्श्व वाला भाग है, यहाँ पर ठंडी नहीं बल्कि क्या होगा, मौसम ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। इसीलिए आप पर्वतीय क्षेत्र में, घाटी वाले क्षेत्र में जब कहीं नगर आप बसे देखेंगे, ठीक है, तो वो इसके ढाल पे देखेंगे, ना कि यहाँ बैली के कोर एरिया में देखेंगे, ठीक है, कहाँ पर देखेंगे, इस ढाल पे देखेंगे। यही कारण है क्योंकि यहाँ पर जो है इसके तो ठीक रहता है, यहाँ पर पाला पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पाला नहीं पड़ता है। इसलिए जो जो जितने भी आप जो है नगर देखेंगे, जो इसी ढालों पर जो है बसाए गए हैं, ना कि इसके बैली के यहाँ पर, ठीक है, आप रीजन अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, बैली इन्वर्जन, ठीक है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसके प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जनरली आप क्या देखते हैं कि ये टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या केस है, ऊपर क्या है जो है वार्म ईयर है, और नीचे क्या है कोल्ड ईयर है, क्या है कोल्ड ईयर है, ठीक है। जब टेम्परेचर इन्वर्जन की स्थिति होगी तो क्या होगा कि हवाएं कब उठती हैं, जब वो क्या होती हैं, ठीक है, जब वो गर्म होती हैं तो वो ऊपर उठती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नीचे कोल्ड एयर है और ऊपर वार्म एयर है, तो हवा का मूवमेंट ना तो हो पा रहा है, ना तो क्या हो पा रहा है, नीचे हो पा रहा है। यानी ये कंडीशन किसको दिखा रहा है, स्टेबिलिटी की कंडीशन को दिखा रहा है, स्थिरता की कंडीशन को दिखा रहा है। यानी अगर कहीं पर भी टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो वहां पर क्या, वायु का मूवमेंट नहीं होगा ऊपर, और न तो ऊपर अपवर्ड मूवमेंट होगा, ना तो क्या होगा डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, और कंडीशन कैसी रहेगी, स्टेबल कंडीशन रहेगी। और जब हवा ऊपर नहीं उठेगी तो वर्षा होने की कोई संभावना नहीं रहती है। और एक बात, यहाँ पर कंडीशन कैसे बनेगी, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी, प्रतिचक्रवातीय दशाएं यहाँ पर विद्यमान हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके क्या है, कुछ टेम्परेचर इन्वर्जन के प्रकार बताए गए हैं। अब टेम्परेचर इन्वर्जन का कुछ प्रभाव होता है, हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला क्या है कि डस्ट पार्टिकल्स हैंगिंग इन द एयर, ठीक है, अगर कहीं पर टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है तो जो डस्ट पार्टिकल है वो हवा में लटके रहते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हवाओं का जो मूवमेंट है, ना तो अपवर्ड हो ना तो डाउनवर्ड हो जाता है, जो जहाँ है वहीं पर स्थिर रहता है। तो ये पहला इसका प्रभाव है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है वही बात, स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ द एयर, जो गति है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तीसरा है लेस रेनफॉल, लेस रेनफॉल को बोल सकते हो लगभग ना कि ऐसी कंडीशन होती है जहां पर वर्षा हो जाती है, लेकिन जो वर्षा होगी इस कंडीशन में लगभग ना के बराबर होगी, ठीक है। और जो विजिबिलिटी होती है वो लोअर होती है, क्यों, क्योंकि जब कहीं पर टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो क्या बनता है, कोहरा की स्थिति ज्यादा बनती है। इसलिए आप ये देखेंगे कि जहां पर गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं आपस में मिलती हैं, वहां पर खूब क्या होता है, ढेर सारा
कोहरा होता है, ठीक है। तो क्या है इसके प्रभाव हैं, इसके प्रभाव को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या रहा आपका टेम्परेचर इन्वर्जन, ना कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके प्रभाव को ध्यान में रखना है कि हवाएं जो है मूवमेंट होगा या नहीं होगा, वर्षा होगी कि नहीं। सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपके कंडीशन की, क्योंकि कंडीशन में लिख देगा कि जो हवा है वो स्थिर, वो बहुत शुरू मूवमेंट नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, तेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी दशाएं आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।